कहाँ उतरिएगा? खुल चुका है और ये लोग देखे कैसे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अभी जो कि हमारी ट्रेन है वो हारपुर बोचहा का हाल क्रॉस कर चुकी है क्योंकि हॉल्ट पे नहीं रुकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो कि आप लोग देख सकते हैं मोहद्दी नगर। आज का हमारा सफर होने वाला 13106 बलिया सियालदह एक्सप्रेस जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और अभी हम लोग आए हुए हैं मोहद्दी नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे और ट्रेन जो कि इधर से जितना भी आती है वो 2 पे ही आती है। और भाई साहब देखिए कितना पुराना पूरा कोच लगा हुआ है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का, देखिए आ चुका है ट्रेन, चलिए बैठते हैं। जैसा कि हमारी गाड़ी जो कि खुल चुकी है मोहद्दी नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से और ये जो ट्रेन है बरौनी तक अपने निर्धारित समय से चलती है और उसके बाद जो कि लेट क्या होता है ट्रेन का चलना वो इस ट्रेन से पता चलेगा। देखिएगा आप लोग, मतलब इतना स्लो होता है और जगह जगह पे रोक देता है पता नहीं क्यों। आज देखते हैं आज का जर्नी में क्या होता है और कैसा होता है। अभी जो कि हमारी ट्रेन है वो हारपुर बोचहा का हाल क्रॉस कर चुकी है क्योंकि हॉल्ट पे नहीं रुकती है। छोटे बड़े मतलब छोटे छोटे स्टेशनों पे ये गाड़ी नहीं रुकती है क्योंकि ये एक्सप्रेस है। कहाँ उतरिएगा? विद्यापति। अच्छा अगला स्टेशन है। तो जैसा कि अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई भोलेनाथ की पावन धरती विद्यापति धाम के अंदर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और ये विद्यापति धाम का प्लेटफॉर्म संख्या 2 है और यहाँ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। वैसे लाइन क्लियर हो चुका है तो चलिए ट्रेन हमारी खुल रही है। क्या भैया ट्रेन खुला है ना?
यहाँ पे देखिए तेगरा रेलवे स्टेशन का क्या हाल है, देखिए कितना ज्यादा गंदगी यहाँ पे फैला हुआ, देखिए कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पे, इतना ज्यादा गंदगी। यहाँ पे कुछ साफ सफाई दिख रहा है वैसे, बाद हम कर लेंगे कर लेंगे चलो क्या तो हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बरौनी, देख सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि हमारी गाड़ी रुक चुकी है बरौनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 पे और इसका स्टेशन कोड है BJU और हमारे साथ मिल चुके हैं एक और बरौनी वाले ब्लॉगर भैया और यहां से सफ़र स्टार्ट करेंगे हम लोग जमुई के लिए। तब कुछ बताइए बरौनी के बारे में। जमुई बरौनी स्टेशन जो है यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म नहीं है और यहाँ पर जो है 2 नंबर से 9 नंबर प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी जाना पड़ेगा। तो हमारी गाड़ी जो है कि खुल चुकी है बलिया सियालदह एक्सप्रेस, जल्दी भाग साला खिंचाएगा तुम भी। तो जैसा कि हमारी बलिया सियालदह एक्सप्रेस खुल चुकी है बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1-8 से और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं बरौनी जंक्शन पे जो कि 1 से लेकर 9 तक प्लेटफॉर्म है लेकिन प्लेटफॉर्म संख्या 1 को हटा दिया गया। बरौनी के बाद जो कि नेक्स्ट स्टेशन आता है वो है क्यूल जो कि यहाँ से करीब करीब 70-80 किलोमीटर होगा, 70 से 80 किलोमीटर है तो वो इसके बाद आता है और उसके बाद आता है जमुई। तो चलिए मतलब ये एक लंबा सफ़र है और अभी बीच में एक नया 2 और स्टेशन बना है जहाँ पर ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रुकता है और सिमरिया ब्रिज तक जाते जाते ये जो ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा लेट कर देती है। तो बस मेन वही है, वो क्रॉस होने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे क्यूल और क्यूल से आगे। ये है बलिया सियालदह का बेसिन, देखिए कितना गंदा है। देखिए जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं ये बलिया सियालदह एक्सप्रेस जो कि 13106 मतलब ट्रेन नंबर है और ये जो ट्रेन है टोटल 682 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 19 घंटा में और ये जो बलिया से निकलता है 8:50 में निकल जाता है बलिया से और आपको वहाँ 3:15 में आपको पहुँचाएगी सियालदह जो कि काफ़ी कष्टदायक सफ़र होगा अगर आप लोग जनरल से सफ़र करेंगे तो, इसलिए आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग स्लीपर से करें या एसी से करें। गजब की बात है ना, और यहाँ पे जैसे भी काम कर रही है अपना, देखिए
गाड़ी जो है कि रामपुर डुमरा से निकल चुकी है और यहाँ से जो कि दो स्टेशन का मिलन होता है, देखिए रामपुर डुमरा और यहाँ पे दो मतलब स्टेशन का पटरी जो होता है एक साथ मिलता है ना, ऐसा ही ना है। और दोस्तों मैं इसका बाथरूम आपको दिखाने जा रहा था लेकिन बाथरूम का कंडीशन इतना गंदा था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्या बताइए कैसा था बाथरूम? उसी में लैट्रिन किया हुआ, बहुत गंदा था। मतलब हम उसमें नहीं जा पाए तो आपको हम क्या वीडियो उसके अंदर दिखाएंगे, इसलिए सॉरी हम लोग बाथरूम का इसका सीन नहीं दिखा पाए। सटा हुआ ब्रिज है, देख सकते हैं आप लोग पूरा तरह से सटा हुआ है। देखिए अभी दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी जो कि लक्की स्लाई से निकल रही है। कि अभी हम लोग लखीसराय से निकल चुके हैं, लखीसराय जंक्शन ना है, लखीसराय जंक्शन है और यहाँ का जो कि नामी इस चीज़ से क्योंकि यहाँ बालू बहुत ज़्यादा निकलता है, ललका बालू जो होता है, लाल वाला बालू वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है ना। और फाइनली हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है क्यूल जंक्शन। यहाँ जो है दो भागलपुर उधर करने की, अभी हमारी गाड़ी रुक चुकी है क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे लगी हुई है बलिया सियालदह एक्सप्रेस। वैसे यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकता है और यहाँ जो कि यहाँ से दो लाइन गुजरती है भागलपुर के लिए और एक हबरा के लिए, तो अभी हम लोग तो हबरा वाला लाइन से जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारी गाड़ी खुल चुकी है क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और नेक्स्ट रेलवे स्टेशन जो कि है वो है जमुई जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वैसे ट्रेन की टाइमिंग मैं बता दूँ, 27 किलोमीटर जो कि ट्रेन 23 से 24 मिनट के अंदर मतलब डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है सफ़र नेक्स्ट रेलवे स्टेशन का।
दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं जमुई रेलवे स्टेशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये स्टेशन मतलब देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ का, देखिए साफ सफाई कितना अच्छा लग रहा है। WUP 7 लोको पायलट है जो कि लगा हुआ है, देख सकते हैं एक्सप्रेस का। देखिए ट्रेन खुल चुका है और ये लोग देखिए कैसे जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं जान जोखिम पे डाल के। भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है ट्रेन के अंदर। क्या भैया ठीक है? जैसा कि हमारी बलिया सियालदह एक्सप्रेस खुल चुकी है, देख सकते हैं अपने निर्धारित समय से 10 मिनट फास्ट चल रही है ट्रेन। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग की नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे एक कुंड का बनाएंगे वहाँ जाके ब्लॉग, वो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।